पढ़ने में मेरा शौक था, मतलब साहित्य, तो वो मैं बचपन से करीब करीब समझिए पाँच साल पांचवी क्लास से पढ़ना शुरू किया। शुरू में ये अनुवाद जो आते थे बंगाली साहित्य के या कन्नड़ या मलयाली के, वो पढ़ा करता था। तो ऐसा मतलब करीब दसवीं तक, बारहवीं तक, सुबह बारहवीं को होती रही थी समय, पर करीब 69 में ये माधुरी करके एक मैगजीन हुआ करती थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, और धर्मी हुआ करता था टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो इनमें ये इन फिल्मों की चर्चा शुरू होने लगी थी, जो अपन को समांतर सिनेमा बोलते हैं या पैरेलल सिनेमा बोलते हैं या जिसे नई धारा न्यू वेव करके बोलते हैं, तो वो शुरू हुई थी। तो हम लोग पढ़ते थे उसके बारे में, तो अधिकतर फिल्में जो है ना साहित्य पे बनी हुई होती थी। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने सुना दो फिल्मों के नाम, तो इन्होंने बनाए थे वो सत्यदेव दुबे ने, शॉर्ट फिल्म थी, एक थी टंग इन चीक कुछ करके, और दूसरी एक और अपरेच है कि विंध्याचल, इस तरह के वो विषाद पंचतन एक माइम आर्टिस्ट हुआ करते थे उनके साथ, तो वो बड़ी अद्भुत लगी, मतलब जो उसके बारे में लिखा था, और लिखते भी साहित्यकार ही थे इन फिल्मों के बारे में, तो हिंदी में आती थी ये पत्रिका, तो उससे थोड़ा बहुत मतलब नाम सुना तो एक आकर्षण पैदा हुआ कि ये क्या हो रहा है। वैसे तो शहरों में जो फिल्में पैदा होती है, मतलब दिखाई जाती है, मुंबई से जो आती थी, तो देखते थे, मज़ा भी आता था, एक मतलब एक इम्प्रेशनेबल उम्र होती है तो हर फिल्म अच्छी लगती है, पर छोटी उम्र होती है तो हमें मालूम नहीं होता क्या होता है, मतलब अधिकतर तो लड़का लड़की के बारे में होती है, हीरो हीरोइन के बारे में होती है, तो एडल्ट लाइफ के बारे में तो हम लोग को मालूम नहीं है, पर देखते थे और चकित भी होते थे हर तरह की फिल्म, मतलब एक सप्ताह में एक दो फिल्म तो देखते ही थे सब, पर साथ में कुछ कुछ कभी कभी गलती से हमारे शहर में जो है अंग्रेजी फिल्में भी आ जाती थी, तो वो कुछ अलग होती थी, जैसे शिप ऑफ फूल्स करके एक फिल्म थी, या मैंने बड़ोच में और मेरा भाई गए थे तो वहाँ हम लोगों ने ये फियरलेस एम्पायर किलर्स की प्लान्स की फिल्म, तो मतलब पहुँच जाती थी, तो वो कुछ अलग अलग, चिड़िया खाना वो भी आई थी करीब 60s में आई थी वो, सत्यजीत रे की, तो वो कुछ अलग लगती थी। तो साहित्य का मतलब है आप जो है ना, मतलब जो पढ़ते हैं तो मतलब आप अलग हैं थोड़े, वैसे मैं पल्प भी पढ़ता था, मतलब जितनी भी जासूसी दुनिया, मनोहर कहानियाँ ये सब पढ़ता था, पर ये आप साहित्य पढ़ते होते लगते हैं कि आप विशेष हैं, अलग हैं दूसरे, दूसरे तो पढ़ते नहीं करते, जैसे बड़ियों के लड़के हैं या दूसरे लड़के हैं वो उनका तो साहित्य में इतना रुझान नहीं होता था, तो उसको देख के फिर शांतता को चालू हुआ है जो कि गोविंद नीलानी ने प्रोड्यूस की थी, फिर साथ में इनके नाम सुनने में आए अपने भुवन शो, फिर मणिकौल की उसकी रोटी, फिर बदनाम बस्ती, आधे अधूरे, और ये नाम प्रकट होने लगे मतलब फिल्मों में, और इनके बारे में पढ़ते थे तो ये बॉम्बे इंडस्ट्री के नहीं थे, कौन साहब जो थे वो जयपुर के थे और सब साहित्य में थे, तो करीब करीब मैंने ये सारी कहानियां पढ़ी थी जिनके बारे में सुना था, तो हम लोगों ने फिल्में देखी नहीं थी, पर होता था कि यार साहित्य पे क्यों नहीं फिल्म बनाई है, क्योंकि हम लोग जब साहित्य पढ़ते थे तो उसको उसकी कल्पना भी करते थे, तो जब कल्पना करते थे तो एक आकर्षण हुआ गया हम लोग भी ऐसी बनाए कुछ, मतलब क्योंकि कल्पना तो करते हैं इसकी, और बम्बई जाने की जरूरत थी नहीं क्योंकि आप पूना जा सकते थे, पूना में ये फिल्में देख भी सकते थे, और ऐसा लगता था कि पूना जाने के बाद ये एक संभावना है इस तरह की फिल्में बनाने का, तो एक रास्ता भी था और इतना कठिन भी नहीं था, बम्बई की नहीं सोचते थे, पर आप सीख सकते थे इस तरह से बनाया जाए,
फिर ये लोग बना ही रहे थे, तो इसका मतलब है अगर ये लोग वहाँ गए थे फिर बना भी रहे हैं। फिर साथ में FFC नाम की चीज मतलब फंड करती है, तो ऐसा लगा कि फंडिंग भी होती है, तो एक आसान तरीका लिखा। कमर्शियल फिल्म का मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इतना उस तरह की बनाने का नहीं था। जैसे कि हमारे शहर में तीसरी कसम आई, तो मैं अंदर जा रहा था और देखने वाले बाहर आ रहे थे, तो सब बोले यार फ्लॉप है फ्लॉप है। हम लोग अंदर गए तो कोई था ही नहीं, फिर भी अभी अच्छी लगी वो, क्योंकि शैलेंद्र का नाम अच्छा लगता था, फणीश्वरनाथ रेणु का नाम सुना हुआ था, कहानी पड़ी हुई थी और देखने में फिल्म बड़ी अच्छी लगी, और लगा गया ऐसा करीब करीब वैसा ही है जैसा कि पढ़ा था। और तो ये उस तरह से एक लगाव और रुझान पैदा हुआ। और फिर साथ में क्या था कि मतलब कि मेरे साइंस बायोलॉजी थी, तो मेरे ब्रदर जो थे वो तो डॉक्टर हो गए, तो मैं भी डॉक्टर बन सकता था, पर मुझे ये लगता था कि अगर मैं डॉक्टरी करने गया तो मेरे को अपने भाई की सेकंड हैंड किताब जो होती है वो पढ़ने को मिलेगी, तो मैं वो सेकंड हैंड किताबें जो है ना वो नहीं पढ़ना चाहता था। और अगर फिर शहर में रहता तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनता, अगर मेडिकल में नहीं जाता तो मेरी एजुकेशन जो BSc है उसके सहारे तो और कुछ इतना अच्छा कुछ एस्केप नहीं था, तो ये एक अच्छा एस्केप था मेरे लिए। और पढ़ाई का खर्चा नहीं है, बहुत सस्ते में मतलब करीब हम लोगों को 100 रुपये लगते थे पर महीने, 60 रुपया मैच में जाता था और 40 रुपये जो है साबुन तेल और ये सभी एक महीने साल में कपड़ा खरीद लिया। और पिताजी रिटायर हो चुके थे पर अपनी पेंशन से 100 रुपये मैं किया गया, तो मेरी उम्र करीब 19 साल की। अच्छा, 22 साल की उम्र में मैं निकल गया था। तो हम जब वहाँ गए तो करीब करीब एक स्टेट से एक स्टूडेंट आता था, क्योंकि हर स्टेट की स्कॉलरशिप हुआ करती थी, तो करीब करीब ऐसा था कि मतलब एक यूपी से होगा, एक आंध्रा से होगा, एक बंगाल से होगा, एक महाराष्ट्र से होगा। तो मैं कश्मीर के नाम पे आया था, राजस्थान से, पर कश्मीर लोन देती थी एजुकेशनल लोन। ओके, तो मैंने कश्मीर से लोन लिया था, कश्मीर होने के नाते। तो हम लोग ऐसे 15 लोग थे, तो 15 लोग थे, तो जैसे उदय शंकर पानी थे तो वो उड़ीसा के थे, पर दिल्ली के थे पर बेसिकली उड़ीसा के थे। एक राहुल दास गुप्ता हुआ करते थे, वो बंगाल के थे, वो मतलब बड़े अंग्रेजी पढ़े हुए थे, और सत्यजीत रे के शायद कुछ रिश्तेदार लगते थे। ओके, ओके। तो जब थे तो एकदम डबल सूट पहन के और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था उनके हाथ में। ओके। और फिर एक वाल्मीकि थे, तो वो MA थे हिंदी में और उनको म्यूजिक का बड़ा शौक था, और वो इलाहाबाद से आए थे। अच्छा, अच्छा। एक सुरेंद्र सूरी करके थे, वो भी 30 के लगभग उम्र होगी उस वक्त उनकी, वो जो आइस स्केटिंग होती है मतलब आर्टिफिशियल आइस, उस सर्कस के मैनेजर थे। अच्छा, या मालिक थे। अच्छा। और एक लेडी थी विजया करके, वो भी यूपी की थी और वो कविता करती थी। अच्छा। और एक शाहरुख मिर्जा थे, वो बॉम्बे से थे, वो किया सब से जुड़े हुए थे। अच्छा। यंग थे। ओके। और 3 भाई थे वो, और स्क्रिप्ट राइटिंग में गए वो, और एक मुनीर थे, वो कृष्ण चंद्र जो बहुत बड़े राइटर हुआ करते हैं हिंदी उर्दू के, उनके लड़के थे। अच्छा। और एक अरुण खोपकर थे। अरुण खोपकर, हाँ, वो आषाढ़ का एक दिन में कालिदास बने थे। हाँ, हाँ, तो और वे मतलब बड़े विद्वान किस्म के थे वो, और गणित से आए थे, एल्फेशन कॉलेज से, फिलोसफी और मैथमेटिक्स। उनका तो काफी एकेडमिक अप्रोच बहुत बहुत रहा है। 15 लोग थे। और हाँ, हम लोगों में सबसे ज्यादा फेमस वो हुए जानू रंजन बरुआ। ओह यस, वो आसाम के थे। जानू बरुआ ऐसा बोलते थे कि किसी आसाम में किसी राजकुमार जैसे थे, या कोई चाय के बगीचे थे।
पर करीब करीब एक अनिल तिजानी थे, उनके पिताजी वो बॉम्बे गए थे, उनके पिताजी स्टॉक मार्केट में थे, अच्छा, वो गुजराती थे, ऐसा मिले जुले थे, पर अधिकतर जो है उम्र में काफी थे सब, सबसे जो यंग थे तो मैं था, उदय शंकर पानी और जानू कुमार, बाकी तो उम्र की रेंज करीब 19 से लेके करीब 35 तक की थी, क्योंकि एक अफ्रीका से थे, खाना से कॉफी करके, उनके चार बेटियां थी, एक शिवम थे मलेशिया से, उनके करीब 35 के करीब होंगे, तो ये एज ग्रुप की रेंज थी हमारे बैच में। बाकी कई हम हमारे जो सीनियर थे, तो एक आश्रम की तरह था किया, करीब करीब लोग आते थे एंजॉय करने आते थे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था कोई, और फिल्म जो है उसकी शिक्षा का कोई ऐसा विधान तो बना नहीं था। एक प्रोफेसर सतीश बहादुर थे इलाहाबाद के, जो फिल्म सोसाइटी चलाया, तो उन्होंने कुछ कोर्स पैदा किया था, फिर जो सिनेमाटोग्राफी थे उनके प्रोफेसर बाहर से UCLA या न्यूयॉर्क से कोर्सेज लेके आए थे, तो शुरू शुरू में जो लोग आए थे एडिटिंग में, साउंड में और कैमरे में, वो या तो उनको ट्रेन करने बाहर भेजा गया था टीचर्स को, फिर यहाँ आए थे, एक्सेप्ट साउंड में ठक्कर साहब करके थे, वो इंडस्ट्री में काम कर चुके थे, वो बहुत विद्वान थे, तो मतलब नया नया बन रहा था, फ्रेंच या जर्मन यूरोपियन सिनेमा का एक ट्रेडिशन था, स्पेशली जो ये सतीश बहादुर जो फिल्म सोसाइटी वगैरह चलाया करते थे, तो एक फिल्म सोसाइटी की वजह से एक तो फिल्म संस्कृति पैदा हुई थी, एक सोचने का तरीका और एक देखने का तरीका डेवलप हो चुका था, और एक एम्बिशन थी कि एक नई प्रकार की एम्बिशन थी कि सिनेमा आर्ट है। और तब तक तो क्या होता था कि कोई आर्ट कॉमर्स तो होता नहीं था, मुंबई की फिल्म होती थी तो सभी सब कॉमर्स हुआ और उनको आर्टिस्ट नहीं माना जाया था, तो ये लोग जो नया आए थे अपने लोग आर्टिस्ट परंपरा लाना चाहते थे दक्षिण में, ये एक नई बात थी। तो यहाँ से जब बॉम्बे में आए तो मतलब ये फिल्में जो थी वो क्लास थी और जो वो है वो कॉमर्स थी, एक डिफरेंशिएशन भी पैदा हो गया था और एफएफसी भी पैदा हुआ था, तो वो भी मतलब इंडस्ट्री के बाहर था, तो एक ऐसा एलिमेंट पैदा किया गया था गवर्नमेंट के जरिया और क्लास के जरिया कि इसको जब ये जो इंडस्ट्री में जाएगा तो इट वर्क लाइक ए कैटलिस्ट, कुछ इससे परिवर्तन होगा, जो हुआ भी है, क्योंकि करीब करीब सारे के सारे जो टेक्नीशियंस हैं हमारे वो सबके सब पूना इंस्टीट्यूट हैं साउंड में या कैमरे में, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को पढ़ाने जो आते थे तो शांति निकेतन से आते थे, कलाकार आते थे, अकबर पदम जी, एक साइकोलॉजिस्ट थे उगेन पटेल, मणिकौर कुमार शानी ये पढ़ाने आते थे, वासु भट्टाचार्य आते थे, अच्छा, तो ये लोग पढ़ाते थे, तो हम लोगों के स्टार ये लोग थे, तो हम लोग इनसे प्रभावित हुआ करते थे, ये भी इनको भी हम लोगों से ही सपोर्ट था कि अगर कोई उसकी रोटी को गाली दे जाता था तो हम लोग लड़ पड़ते थे, तो कई लोग तो बिना उन्होंने उसकी रोटी देखी नहीं फिर भी उसके लिए लड़ते थे, क्योंकि एक अलग तरह की पोजीशन पैदा हो रही थी, तो हम भी उस पोजीशन में जाना चाहते थे, या एक नया स्पेस खड़ा हो रहा था, तो हम लोग जो है ना उससे जो आइडेंटिफाई करते थे, तो एक नई प्रकार की फिल्म संस्कृति जो है वो पल्लवित हो रही थी या फूट रही थी। घटक इन लोगों के साथ आए थे जब ये थे मणिकौल और कुमार शानी ये वगैरह, सुभाष शत्रुघ्न सिन्हा और के माने, तो मुझे लगता है वो 65-66 में वाइस प्रिंसिपल या कुछ प्रिंसिपल वगैरह थे, और करीब इनके 68 तक या 69 तक शायद वहाँ थे ऑफिशियली थे, और फिर उसके बीच में वो थोड़ा उनका आना बंद हुआ,
फिर हम लोग जब आए तो 72 में हम लोगों ने शायद उनको मिलाया पहले सबसे, तो वो आए थे तो उनके आने का मतलब था पूरा एफटीआई बंद हो गया था, तो नहीं सब उनके पीछे पीछे घूमते मतलब थोड़ा दूर रहते थे, मतलब 20 फीट या 30 फीट की दूरी बनाए रखते थे, पर वो जहाँ मुड़ते थे वो झुंड जो था उनके पीछे पीछे चल पड़ता था, ये सच्ची बात है। उनके कमरे में जब वो बिस्तर में लेटे रहते थे तो सारे के सारे उनको घेर गए ऐसा कि कोई कुछ सूत्र मिल जाए कुछ वचन मिल जाए, पर एफटीआई करीब करीब बंद हो जाता था, मतलब उनके इर्द गिर्द घूमता था काफ़ी टाइम तक है, और हमारे टाइम पर भी मतलब 74 में भी, फिर जब 74 में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, पर तभी क्या के उन्होंने दो फिल्मों पर काम करना शुरू किया था, तो दीप्ति कपूर उसी संग और किताश, तो आज़ाद जो उनके जो कैमरामैन थे बेबी आज़ाद या तो वो उनके साथ घूमते थे, यहाँ रहते थे मानसरोवर, जब मैं पास आउट हुआ तो सबसे पहले मैं उधर ही गया था मानसरोवर उनसे मिलने, मैं उनका असिस्टेंट बनना चाहता था, तो वैसे पुणे में भी हम मतलब मैं काफ़ी उनके करीब था। युग का ऐसा हुआ कि ये जैसे शहीद मिर्जा हरिहरन या वीरेन सैनी, तो हमारे जो दो दो बैच पीछे जो थे मतलब 76 वाले ये लोग जब थे तो काफ़ी मार्क्स का प्रभाव शुरू हो गया था, क्योंकि दिल्ली से लोग आए थे, तो उसके पहले एफटीआई में कोई ऐसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का कुछ था नहीं, मतलब मार्क्स लेफ्टिस्ट ऐसा कुछ था नहीं, तो ये लोग अपने साथ थोड़ा थोड़ा मतलब वामपंथी इमेज जो होती है, तो ये लोग मिरंडा के या सेंट स्टीफन्स के या बॉम्बे मार्क्स जो ग्रुप है तो ये लोग आना शुरू हुए थे, और उनकी फिल्मों में भी दिखता था, अरुण गोपकर जैसे लेफ्टिस्ट के मेंबर्स थे कई लोग, तो उन दिनों मणिकौर भी आया करते थे क्योंकि उनके भी सारे जो सोर्सेस थे फंडिंग का वो करीब बंद हो गए थे, क्योंकि आषाढ़ का एक दिन उसको ज्यादा भाव मिला नहीं था, दुविधा बनाई थी पर बिकती कोई फिल्में थी नहीं, और लोन पे लोन थे तो कब तक आपको लोन मिलेंगे, सरकारी जो पैटर्नेज था वो अभी तक मिला नहीं था मणिकौर को, अशोक वाजपेयी पकुल जयकर हरि जो थे इनके पिताजी ईस्टमैन कोडक में काम कर करा करते थे हरिहरन को, तो कोडक कृष्णा बोल बोला जाता था, तो इन लोगों ने बोला कि हम लोग फिल्मों को बैंक से लोन नहीं मिलता, तो इन लोगों ने सुन रखा था अदूर गोपाल का, क्योंकि चित्र समथिंग दैट वाज द फर्स्ट कॉपरेटिव अदूर गोपाल का केरला में चित्रलेखा फिल्म सोसाइटी, हाँ तो फिल्मों कॉपरेटिव से आपको जब लोन मिलता है तो ये इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं होती, और हम लोग जो है ना अगर कॉपरेटिव बना है तो बैंक से लोन ले सकते हैं, फिल्मों को बैंक से लोन नहीं मिलता, ओके तो इन लोगों ने स्कीम बनाई कि हम लोग एक कॉपरेटिव खोलेंगे, हमारा 700,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा इंडिविजुअली, और जाके हम लोग कॉपरेटिव खोलेंगे और बैंक उससे लोन लेंगे और एक फिल्म बनाएंगे, फिल्म घाशीराम कोतवाल काफी हिट हो गई थी दैट प्ले, तो वो भी पुणे में ही थे, तो इकोनॉमिकली वायबल लग रहा था, व्हाट वी डिड वी टुक 4 कैमरामैन 4 साउंड रिकॉर्डर्स 4 डायरेक्टर्स एक्टिव एडिटर्स टॉम आई थिंक ओमपुरी वाज आल्सो पार्ट ऑफ द कॉपरेटिव आई थिंक मुझे याद है, तो वी मेड घाशीराम, बट मेन इनिशिएटिव इन घाशीराम वाज हरि एंड मनी, क्योंकि वो सीनियर थे और नाम का लीडर थे और बाकी तो यू नीडेड सम एल्डर पर्सन, तो फाइनल से जो होता था वो मनी का हुआ था, तो
मणि के घर पे बैठ के स्क्रिप्ट लेके जाती थी, तेंदुलकर आते थे, उन दिनों एक और फिल्म मेकर बहुत फेमस हो गए थे हंगरी में, जांस को करके, तो वो स्टाइल बहुत पसंद आती थी लोगों को, वो लॉन्ग टेक्स 10-10 मिनट के, तो एक वो आइडिया था दिमाग में, फिर इनके जो भी वामपंथी रुझान थे तो दे रीवर्क द स्क्रिप्ट, जिसमें आपने जो लेफ्टिस्ट एंगल इतिहास को देखने का वो हरी का इनिशिएटिव था कि वो अपने आप को वामपंथी बोलते थे, अब तो नहीं बोलते, अब तो देखिए टीचर मेलोड्रामा। सईद वाज नॉट वेरी एक्टिव काशीराम, क्योंकि उसने अपनी स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया था ना, अरविंद देसाई, वो दूसरा प्रोडक्शन था युक्त का, तो उसमें भी कॉपरेटिव के नाम पे लोन मिला था, लोन जो है मतलब यूजुअली प्रोड्यूसर के नाम पे मिलता है, मतलब जैसा उमदर बाजार मेरे को लोन मिला था, तो सही के नाम पे नहीं, कॉपरेटिव, अगर यू आर नॉट एबल टू रिटर्न नो इंडिविजुअली लायबल देना। That's how the Arvind Desai was made. But काशीराम को इतना अच्छा रिसेप्शन मिला नहीं, बर्लिन गई थी वहाँ का हुआ था, अभी उसको कल्ट फिगर मिल रहा है, उसका एक प्रिंट था वो रिस्टोर किया बर्लिन में, तो अब कई जो एक्सपेरिमेंटल टाइप सिनेमा का इतिहास देखते हैं भारत में, तो उसमें काशीराम को थोड़ी वैल्यू दी जाती है। अरविंद देसाई को भी इतना रिसेप्शन नहीं मिला, पर उस समय जो इंटेलेक्चुअल्स थे जो कि वो समझते थे कि हम एलिनेटेड हैं, तो उन लोगों को एग्जिस्टेंशियलिस्ट टाइप ऑफ करेक्टर जो है वो अच्छा लगा, तो उसको अवार्ड काफी मिले तो, पर रिलीज किसी का नहीं, क्योंकि एनएफडीसी के पास उस समय कुछ था नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन का सिस्टम कुछ था नहीं, उनका मार्केटिंग भी इतना अच्छा नहीं था, एक्सेप्ट केतन ने फिर उसके बाद कॉपरेटिव शुरू की थी, पर उन्होंने भवनी भवाई भवनी भवाई वो भी कॉपरेटिव के नाम से, और एनएफडीसी का लोन है अगेंस्ट कॉपरेटिव, तो पर उन लोगों ने मतलब केतन थोड़ा अलग थे, वो मतलब आउट एंड आउट आर्ट वो उसमें थे नहीं, मतलब he was preparing to enter into the mainstream market. Okay, so Dhoni Bhai Hindi mein bhi banayi gayi thi, Gujarati mein. So wo release hui hai. Us film ne cover bhi kiya paisa. So that's why he survived. So shuru se tha ki matlab he was audience friendly. Ye baki jo Arun Desai, Kashiram, उनको आप ऑडियंस फ्रेंडली नहीं मान सकते, मतलब कि विचार ही होता था मणिकॉल का जो था नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आई एम मेकिंग इट फॉर माय सेल्फ, एंटी ऑडियंस, ऑफेंडिंग ऑडियंस, उस तरह के, पर केतन फॉलोड द कॉपरेटिव सिस्टम क्योंकि उसमें कुछ फायदे थे, पर कॉपरेटिव चलती नहीं है क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर बाकी जो मेंबर हैं उनको क्या फायदा होगा, इट बिकम लाइक ए डिवाइस टू गेट ए चीप लेबर काइंड ऑफ थिंग, तो नो कॉपरेटिव, फिर टेक्नीशियन के साथ आप कॉपरेटिव बना सकते हो, पर इंडस्ट्री में फिल्म प्रोडक्शन जो होता है इट्स लाइक ए जॉइंट फैमिली, कि अगर एक फिल्म चलती है तो 10 परिवार चलते हैं साथ में, वो पलते हैं, मतलब कैमरामैन का परिवार है, साउंड वाले का परिवार है, म्यूजिक डायरेक्टर का परिवार है, तो दे वर्क लाइक ए फैमिली, तो एक फिल्म अगर चलती है तो इतना परिवार पलता है, अगर फिल्म नहीं चले तो ये भूखे मर जाएंगे, तो वो सब मिलके ऐसी फिल्म बनाते हैं कि हाँ पॉजिटिवली कि हाँ चले, हम लोग तो ऐसा प्रेशर नहीं हुआ करते कि चले या नहीं चले, तो वो पिक्चर बना के डिस्पर्स हो जाते थे। ब्राह्मण है पुणे के, जो ब्राह्मण है तो उनके बारे में थी, मतलब ब्राह्मण है, डिकेडेंट है, एक्सप्लॉयटर्स हैं, ये इस तरह से, पर प्ले में लगे कोरियोग्राफी तो इतना ऑन योर फेस नहीं है, पर फिल्म में इन लोगों ने टोटली एंटी ब्राह्मण्स और एंटी वो पेशवा ये खुल के आता है, फिर उन्होंने कुछ नाना फडणवीस की वो जो डायरी है उनको भी इनकॉर्पोरेट किया, और साथ में ये उन दिनों ये बहुत प्रचलित था अपने हर्बर्ट मार्क्यूज़, हर्बर्ट मार्केज़ या विच वर
trying to combine pride and marks. Okay. So they will deal in the say sexuality of Nana Foreign Museum. Okay, your fetish and sexual fetish. Mm-hmm. So they were trying to interpret it through the leftist and they were. So play with the kya hai ki Marathi mein to it is directly addressing to the Marathi culture and the ethos or the groups. But film jo hai, iska koi audience tha hi nahi. So isne kuch provide nahi kiya kisi ko. पर जो प्ले का जो टेक्स्ट है उसमें तो स्ट्रेट जो है डिकेडेंस जो है पूना ब्राह्मणों का वो ऐसा खुल गया है. पर इन्वॉल्व जो लोग हैं उस प्ले को करने में वो सबके सब खुद ही चित्पावन है ब्राह्मण पूना के. सब नची पटवर्धन और ये जितने हैं नची के पटवर्धन और वो हाँ वो सेट डिजाइनर वो हाँ, 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 हमारे हाँ, भी आर्ट डायरेक्टर होते जब्बार जितने ब्राह्मण Jabbar Patel, yes. He is not a Brahmin. Made the original play, yes. Tendulkar is a Brahmin, but he was anti-Brahmin, pro, underprivileged. But what was the case that he could not be able to do so much because Brahmin and Maratha were from the beginning. Because Peshwar took over the power from the Maratha. Right, right. The king wanted to be a king. जो रूल कर रहे हैं वो तो पेशवा है. तो ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है वो सिर्फ पूना में ही है. पर ये लोग तो खुद ही ब्राह्मण है जो बनाने वाले हैं. तो इसकी वजह से जो है इतना हंगामा नहीं हुआ. अभी भी ये प्ले व्यूअर्स जाता है मतलब अलग है काफी. हाँ काफी अभी भी जाता है जर्मनी अमेरिका. पर मुझे क्या लगता है कि ये भूल जाओ कि क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है कंटेनमेंट भूल जाओ. पर जिस तरह से इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है इस प्ले को जो उसकी ड्यूटी है उस वो तो मतलब मुक्त करने वाली है. मतलब इतना सुंदर फॉर्म है उसका. वो जो डांस है वो जो कलर है अभी अभी ब्लैक और रेड है उसकी कलर स्कीम. तो ये बोलेंगे कि वो ब्लैक एंड रेड वो जो फैसिस्ट कलर है. जापान का भी ब्लैक एंड रेड है यू नो वो फैसिस्ट का भी ब्लैक एंड रेड है. पर इट बिकम ब्यूटीफुल. मुझे लगता है इसकी वजह से बहुत सुंदर लगता है. मतलब एक्सपीरियंस ऑफ प्ले को देखने का बहुत सुंदर बहुत अद्भुत है. बाकी कंटेंट वंटेंट जो है ठीक है जो कुछ भी है. मतलब आप बोलते हो कि भाई वो बुरा है ये बुरा है ये डिकेडेंट है ये है तो आदमी भूल जाता है वो चीज़. वो देखता है जो कलर हो रहा है जो म्यूजिक चल रहा है जो क्योरियोग्राफी है उसको भूल जाता है. तो वो ये एक्सपीरियंस जो है बहुत सुंदर है. तो इसकी वजह से जो है ना इतना इतना हंगामा नहीं होता. तो सब अपने अपने रास्ते चले गए. सईद मेट अरविंद साई. तो चूंकि उसके सर पर लोन नहीं था तो ही गॉट अनदर फिल्म सलीम लंगड़ा मतलब. And I think that worked a bit with the audience. So he got more film because of Salim Nagar. But ये लोग जो थे जो मिलता था इन लोगों को फिल्म आप देखो कि करीब करीब सबकी सब फिल्में जो है ये NFFC NFDC ने फंड किए. पर जो फंडिंग चल रही थी they were very close to Congress. आपके कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते थे सेक्रेटरी लेवल तक के. मतलब हर किसी को इतनी आसानी से क्योंकि कितनी फिल्म बनाते थे ज्यादा तो नहीं बनाते थे. तो सईद का करियर शुरू हुआ वहाँ पर. हम लोग मनी जो है उनके पास काफी समय तक कुछ नहीं था तो उनका सर्वाइवल जो था फिल्म डिविजन का था. पर उनको अशोक बाजपेयी मिले तो अशोक बाजपेयी की वजह से फिर उन्होंने ध्रुपद सटे से उठता आदमी और फिर माटी मानस जो पपुल लेकर माटी मानस मैंने लिखी थी उनके लिए. तो उनका ये बाकी कैमरामैन जो है वो इंडस्ट्री में करीब करीब कैमरा वाले जो भी प्रॉपर्टी ग्रुप के थे
ओमपुरी भाषाराम में देखे तो वो फिर उनकी तरफ चले गए श्याम बेनेगल. श्याम बेनेगल बहुत वेरी बैलेंस. तो उस समय वो लोग जो है श्याम बेनेगल वो उनको एफएफसी वगैरह के साथ नहीं जाते थे. उनको जो एडवर्टाइजिंग के जो लोग थे जो कि एग्जीबिशन हॉल में एडवर्टाइजिंग की स्लाइड्स दिखाए करते थे वो लोग मिले. तो देन दे मेड द फिल्म अंकुर निशांत भूमिका दे ऑल ब्लेज एडवर्टाइजिंग. तो सिंस ही वाज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग या या सो ही गॉट फिर ही हैड अ फ्रेंड कुरियन in yes so he produced. They also used the idea of cooperative yes but usme kya hai ki it worked with the audience manthan. So it's like a huge cooperative commercial film because it's a corporate film about the corporation a collective cooperative corporation the each individual is a shareholder. Then he continued with that. He made lot of like with the हाथ करगा वालों के साथ बनाया है. ये I think हैदराबाद में है. सुषमा. हाँ हाँ right. So he was more practical. Going on a right way. ये उनके साथ हुआ. Okay. मैं तो कुछ कर नहीं रहा था. I was doing puppetry in पिंगुली करके एक जगह है गोवा के पास. और मेरा कोई इरादा था भी नहीं फिल्ममेकर बनने का इतना. एक और बात थी कि जब हम एफटीआई में तो कई लोगों को मालूम था कि यहाँ से बाहर जाएंगे डायरेक्शन वाले वो उनको कुछ होने वाला नहीं क्योंकि इंडस्ट्री अलग ही है. तो हम लोग करीब करीब सोचते थे कि जितना एंजॉय करना है लाइफ में कर लो. आश्रम में यहाँ कोई पूछने वाला नहीं तो लाइफ भी काट लो. और एग्जिस्टेंशियलिस्ट टाइप के कई लोग इसलिए हमारी जनरेशन के और मेरे नजदीक के दे फेडेड आउट स्लोली बिकॉज दे वर नो अपॉर्चुनिटीज. कोई काम ही नहीं था क्योंकि टेलीविजन नहीं था एडवर्टाइजिंग नहीं था तो डॉक्यूमेंट्री के लिए एफडी था या गवर्नमेंट जॉब्स थे और कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं. अपॉर्चुनिटी लाइक 90 के बाद जबकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एडवर्टाइजिंग आया टेलीविजन आया तो उसकी वजह से काफी खप गए. अगर उस राइट टाइम पर अगर टेलीविजन और एडवर्टाइजिंग नहीं आया होता तो थोड़ा बहुत सुसाइडल होता. कुछ काम था ही नहीं. वो सेंसिबिलिटी अलग हो गई थी इन लोगों की यूरोपियन फिल्में देख के. हॉलीवुड तो देखते नहीं थे लोग तो वो हो रहा था. मैं कुछ कर नहीं रहा था बीच में का डर डॉक्यूमेंट्री करता था. फिर मेरे को मौका मिला आई यू सुरेश जिंदल जो कि उन दिनों शतरंज के खिलाड़ी बना चुके थे. मुझे भी पूछा गया था शतरंज के खिलाड़ी के लिए बट देन आई हैड जॉइंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो वो गांधी में को प्रोड्यूसर टाइप एसोसिएट प्रोड्यूसर टाइप थे. तो उन्होंने मेरे को बोला कि असिस्ट करो गांधी में. तो आई एम असिस्टिंग गांधी. फिर कुछ पैसा आया पहली बार लाइफ में तो मैंने किराए पे एक फ्लैट लिया और दो साल एक डेढ़ साल बैठा वहाँ. आई रोट दिस स्क्रिप्ट होम द पर. फिर मैंने जमा कर दी. बाई चांस अप्रूव हो गया तो वो बनाने निकला. पर बाई चांस बिकॉज जिस तरह से मैंने लिखी थी होम द मुझे उम्मीद नहीं थी इसको कोई अप्रूव कर देगा या इसको कोई फंडिंग कर देगा. पर क्योंकि मैं जुड़ा हुआ था कुमार और जैसे कुमार के लिए तरंग में मैंने डायलॉग लिखे थे और अरविंद देसाई के डायलॉग लिखे थे और मणि की माटी मानस लिखी थी तो करीब करीब मेरे को लोग जानते थे और बातें बहुत करता था तो ऐसा थोड़ा थोड़ा प्रसिद्ध था मैं. और चूंकि इन लोगों से जुड़ा हुआ था तुम मतलब अप्रूव हो गई थी बना ली थी. मैं क्राउड कंट्रोलर हुआ करता था. क्राउड्स को संभालता था और बैंकिंग से खड़ा रहता था और जो बैंकिंग से बोलते थे वो मैं पब्लिक को बोलता था कि ये बोल रहे हैं तो आप ये करिए. पर
सबसे बढ़िया एक्सरसाइज जो मैंने मतलब गांधी में हुआ वो इतने बड़े लेवल पर जो प्रोडक्शन होता है तो वो दूसरा क्राउड तो और मैं क्राउड कंट्रोल करता था तो वो सब रेस्टलेस होते हैं क्राउड वाले देशी लोग हुआ करते थे तो वो भाग जाते थे उनको एक जगह आप बैठा नहीं सकते हो तो मैं उनको बिजी रखने के लिए कहानी सुनाता था ओम धर्मधर की करीब करीब कहानी जो है वो भीड़ को सुनाते सुनाते वाली है तो मतलब और करता भी क्या मैं तो नरेशन जो होता है मतलब ओरल स्टोरी टेलिंग वो जो वो थोड़ी बहुत ओम धर्मधर में भी है टुकड़े टुकड़ों में है तो उसकी वजह से मेरा अभ्यास वहाँ ओम धर्मधर के लिए काफी हुआ फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्राउड्स ये जो बीमारियां मेरे दिमाग में आई हैं वो करीब करीब गांधी की वजह से ही आई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है या क्राउड्स हैं और बैटल ऑफ बनारस है वो सारे इन्फ्लुएंस जो है लगता है कि गांधी के अनुभव से मेरे पापा एक्टर नहीं थे और हम लोग नेक्स्ट वीक शूट पे जा रहे थे तो अनीता को मैं जानता था और हम लोग जा रहे थे तो जैसे कि गोपी देसाई तो हम लोग स्टेशन पे थे बॉम्बे सेंट्रल शायद गोपी देसाई को किसी ने बोला होगा कि कमल पिक्चर बना रहा है तो वो वही अपना आपको प्लान करिए बैठी हुई थी रेस्टोरेंट में कैसा क्या कमल से जा रहा है कि मेरे को नहीं दे रहा है आ जा फिर जैसे ललित है तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ था तैयारी कर रहे थे तो वो आ गया मैंने बोला आ जा बाकी लोकली थे सब उनको कर दिया फिर लड़का जो होम है तो लास्ट मोमेंट तक मैंने कास्ट नहीं किया फिर एक लड़का रोज आता था शूटिंग देखने और ही वांटेड टू गेट कास्टेड तो मेरे को इस पर तरस आ गया बोला तू भी आगे वादी के लग जाए लाइक दैट होम नर्वोजर में मतलब एक शेड्यूल मेरा खराब आ गया था तो एक साल के लिए वेट कर रहा था मैं तो उसी एक साल के पीरियड में अनीता जो है ना सुपर हिट हो गई थी बुनियाद में तो शुरू में जब आई थी फर्स्ट शेड्यूल में और सेकंड में तो कोई पहचानता नहीं था पर जब वो लाजोली बन गई तो क्राउड कंट्रोल मुश्किल हो गया लोग पीछे पड़े हुए थे उसके शी बिकम अ स्टार ओवरनाइट मैं प्रोग्राम प्रोमो बनाया चार साल तक किया उसमें मेरे को बड़ा मजा आया मतलब आई वाज वन ऑफ द बेस्ट और बड़ा अद्भुत क्योंकि मेरा स्टाइल ही वो है तो आई फिटेड इन चैनल भी छोटी छोटी फिल्में बनाता था 30 सेकंड की 40 सेकंड की और जो हाई डेट स्पेशल इफेक्ट हुआ करते थे जो कि मेरे पास अंदर वो टाइम पे नहीं थे पर हाईटेक आया ही था मतलब जो जो स्पेशल इफेक्ट मशीन्स हैं वो शुरू ही हुई थी तो मेरा दिमाग एकदम खुल गया क्योंकि मेरा दिमाग जो है बहुत एनिमेशन में और स्पेशल इफेक्ट में बहुत चलता है मतलब अगर ओम धर्मधर के टाइम पे एनिमेशन टाइप और स्पेशल इफेक्ट होते तो क्या से क्या कर लेता मैं तो आई थिंक लाइक एन एनिमेटर तो स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है तो वहाँ जब मुझे वो फैसिलिटी मिली और पैसा बहुत हुआ करता था क्योंकि एक एक 30-30 मिनट के सेकंड की फिल्म का बजट 8-8, 10-10 लाख हुआ करता था तो स्टूडियो है और हाईटेक मशीन्स हैं मतलब मैंने शुरू किया चैनल भी 94 से करीब 98 तक और एक बड़ा खतरनाक जैसे एक बड़ा गजब का प्रोडक्ट किया मैंने दुशुम दुशुम से धाई धाई तक तो वो एक पूरी सीरीज बनाई थी मैंने आर्म्स एंड एमुनेशन इन इंडियन सिनेमा तो उसमें घूसे से लेके चाकू तलवार भाला और डंडा और पिस्तौल रिवॉल्वर मशीन गन स्टीन गन इनका क्या है इतिहास तो वो मैंने सीरीज के दो दो मिनट के एक एक कैप्सूल जो है शायद 5 मिनट का वो बड़ा हिट हुआ फिर मैंने किया था मिनी मूवीज उसमें मैंने पूरी इंडस्ट्री की फिल्में जो है शुरू से लेकर अंत तक उनको 5-5 मिनट में एडिट किया मतलब लाइक सिनॉप्सिस नॉट अ ट्रेलर मतलब कहानी इंटैक्ट रखनी है देन दे डिड अ फेस्टिवल मनमोहन देसाई फेस्टिवल
they are all 5-5 minute films. पर एक दिन में मनमोहन देसाई की 10 फिल्में और समझ में आ जाती थी मतलब, क्योंकि अधिकतर तो अपनी फिल्मों में क्या होता है, हीरो आता है, चलता है, रुकता है, हेलो हाउ आर यू, तो हम लोग सीधा जो कंटेंट होता है ना उसी को दिखाते थे, बाकी जो न्यूट्रल पॉइंट्स होते थे निकाल देते थे, वो बड़ी बड़ी हिट हुई. तो वो मेरे जीवन का सबसे मतलब बढ़िया फेज रहा है, मतलब मेरा जो नेचर है वो फिट होता है. सी अगर आप देखोगे मतलब सिनेमेटिक जो है ना, मतलब कि नॉन लिटरल सिनेमा, बट सिनेमा एज अ लैंग्वेज, और जो भी मतलब जो कंटेंट जो है वो सिनेमेटिक ट्रिक से जो निकाला जाता है, एंड व्हाट यू कैन fool around with or play around with. So I think the first man in FPI, who are not ki main send it you kyunki I'm pro Dalit or I'm leftist, ye jo hota hai na matlab sad, crying, the sober, serious, to ye jo hai ye toda in logo ne. Sabse pehla aadmi ye Kundan Shah hai, Bomber Time se diploma, playfulness the medium, ये सबसे पहला कुंदन है. देन मे बी यू कैन कंसिडर मी इन पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन. ऑफकोर्स कुंदन इज जूनियर टू मी, बट ही मेड जाने विजय आलम मजबूत. तो उस ट्रेडिशन में दिस पंकज इज अ मोस्ट पावरफुल वॉइस, ही इज अमेजिंग. मतलब अभी संडे अगर देखो उसका जो चिल्ड्रन ब्यूटिफुल, फिर उस प्रोफेसर तो उसका जो एस्थेटिक्स है, एक तो प्लेफुल तो है, साथ में उसका जो वो जो रिडिकुलस जो है, वायलेंटली रिडिकुलस, एंड ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल, यू नो दैट. आई मीन ही डाइड, बट आई थिंक ही वुड हैव बीन द बेस्ट फिल्म मेकर, आई मीन मच सुपीरियर देन many of us. He is otherwise also. Yeah. I mean, you can't touch your professor. You know. Or mainstream mein bhi jata ho. He would have easily conquered them. Like he tried in Sankat Shetty, but he's the one guy. He would have created a new space commercial cinema. Uske itna koi dimag alag tha nahi. Raju Hirani, they like saccharine, no energy, that level of magic, too much, like Saxon violence, like Anurag Kashyap. But you see the comparison with the Pankaj Agrawal in art, it's not just a film, and a twist, kind of a violence. Initially, he wrote Kabhi Na Kabhi Na,